ड्राइव करिए ना, शांति से बैठो ना बेटा। रेडियो लाउड मत करो, मम्मा का ध्यान भटकेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। अपनी बेटी को सोनिया से बचा के रखना। तो एक्सीडेंट का मामला लगता है, हमें क्यों बुलाया? सर, पुलिस ने बोला लाश में कुछ गड़बड़ लग रही है, उन्हें ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। सर ये देखिए सर, ये चोट का निशान है, ऐसा लग रहा है कि इसका सर कार से टकराया होगा। जरा पलटो से। बस 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 बस, इसके पीठ पे घाव है और लगता है इसकी मौत इस घाव की वजह से हुई है, किसी धारदार हथियार से मारा है इसे। ये पीठ का जो घाव है इसके सर के चोट से पुराना है, पता किया कौन है ये आदमी? नहीं सर, इसके पास ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है जिससे इसकी पहचान हो सके। अच्छा, पैरों के घाव देख के तो लग रहा है कि नंगे पांव काफी दूर से भाग के आ रहा है, और ये कपड़ों पे मिट्टी कैसे? ये तो दलदल की मिट्टी लग रही है। दलदल? हाँ। लेकिन यहां आसपास तो कहीं भी दलदल नहीं है। आप लोगों ने कुछ देखा है? जब ये हादसा हुआ तब आप लोग कहां थे? देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी जानते हैं बता दीजिए। ये हादसा सर मेरे से ही हुआ है, और सर अब मैंने ही पुलिस को बुलाया था। मेरा यकीन कीजिए कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं ये आदमी मेरी गाड़ी के सामने कैसे आ गया, मुझे नहीं मालूम, मेरा विश्वास कीजिए। रिलैक्स मैम, रिलैक्स, घबराइए मत। ज्यादातर लोग हादसों को नजरअंदाज करके भाग जाते हैं, कम से कम आपने ऐसा नहीं किया। ये हादसा आपकी गाड़ी के साथ हुआ, फिर भी आपने पुलिस को फोन करके बुलाया और एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा किया। आप बेझिझक होकर बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था। सर, सड़क एकदम खाली थी, न जाने ये आदमी बिल्कुल बीच में आ गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी रुकते रुकते ये आदमी टकरा गया, और सर जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरी तो ये आदमी जिंदा था। सर, गाड़ी इतनी जोर से नहीं टकराई थी, पर इस आदमी के पीठ के पीछे पहले से ही घाव थे, और तब तक इसने मेरा हाथ पकड़ा और इसने मुझसे कहा कि क्या क्या कहा? इसने कहा कि आप अपनी बेटी को सोनिया से बचा के रखना। ये सोनिया कौन है, आप जानती हैं उसे? नहीं सर, मैं सोनिया को नहीं जानती। आप इस आदमी को जानती है? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, और
मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। आप सोनिया को नहीं जानते, इस आदमी को नहीं जानते, कमाल है। सर हाँ, ये देखिए सर, टेलर का टैग लगा हुआ है, नाम भी लिखा है इस पे, इससे कुछ पता चल जाए। गुड, इस टेलर के बारे में पता करो, लेकिन सबसे पहले इस लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दो, डॉक्टर सालुंके के पास। ये देखो, ये जो निशान है ना, किसी ने जबरदस्त वार किया है, किसी गंडा से या किसी कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी? काफी तेज वार लगता है। किसी घाव की वजह से तो इसकी जान गई है। एक तो ये काफी थका हुआ भी था, शरीर में बहुत ज्यादा थकान और शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से बेचारे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। सर, इस घाव के अलावा ये जो निशान है पीठ पे, ये किस चीज के? ये निशान किसी कुर्सी चेयर के बैकरेस्ट के हैं, जो काफी समय से कुर्सी पे टिके रहने की वजह से बना है। मतलब इसे कुर्सी पे बांध के रखा गया था? एग्जैक्टली। ये निशान देखिए, सिर्फ कुर्सी पे ही नहीं, इसके पैर भी बंधे हुए थे काफी समय से। ये देखिए इसके निशान, पैर बांधे हुए थे, पीठ से भी बांध के रखा हुआ था, मगर हाथ पे कोई निशान नहीं है, हाथ तो खुले हुए थे। वही तो अभिजीत, लगता है हाथ इसलिए नहीं बंधे थे क्योंकि इसकी हाथों से कुछ काम करवा के लेना था। पर क्या क्या काम करवा के लेना था? इसी ने कहा था ना कि सोनिया से बच के रहना, मरते वक्त तो जरूर कुछ कहना चाहता था अभिजीत, मरते वक्त तो जरूर कुछ कहना चाहता था। मरने वाले का नाम तो गिरीश है सर, और टेलर ने भी यही एड्रेस बताया था, 602। ये अखबारों के ढेर, ये दूध की थैली देख के तो लगता है कि काफी दिन से यहाँ पे कोई नहीं है। जरा चेक करो। सर, गिरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अब कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उसे यहां से किडनैप करके ले जाया गया। बुरे रंग के लंबे बाल, ये किसी औरत के हैं। ये काम करो, इसे रखो डॉक्टर सालुंके के लिए। सर ये वॉलेट और फोन यहीं पे। चल रहा है। इस फोन में सोनिया के नाम से कोई नंबर स्टोर तो नहीं है, और आखिरी कॉल एक हफ्ते पहले किया गया था किसी अमित को। मैंने बोला था उसे कि इन गलत चक्करों में मत पड़, मरेगा किसी दिन। और आज कौन से चक्करों में फंसा हुआ था वो? वो सर, मैंने और उसने साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी सर। मैंने तो कॉलेज के बाद जॉब ले लिया, लेकिन वो हैकर बन गया। हैकर? सर उतना बड़ा हैकर नहीं था, छोटी मोटी हैकिंग करता था। जैसे सर वो कॉलेज के डेटाबेस से स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज करना, या लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से डिटेल्स निकालना, यही सब। अच्छा, मरने से पहले उसने किसी सोनिया का नाम लिया था,
तुम किसी सोनिया को जानते हो? हाँ सर, हमारे साथ कॉलेज में एक लड़की थी सोनिया, और गिरीश उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन सर वो तो बहुत पहले शादी करके अमेरिका चली गई और आजकल वहीं है। अच्छा, एक हैकर जो पिछले एक हफ्ते से गायब था और फिर उसका खून हो जाता है, हो सकता है ये साइबर क्राइम का मामला। एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। गुड वर्क दया, वेरी गुड वर्क। बस अब सोनिया को ढूंढो। या अभिजीत, और लड़के का नाम गिरीश है, हैकर था वो, हैकर एक हफ्ते पहले किडनैप हुआ था। एक्सक्यूज मी पंकज। संध्या मैम। सर, ओ माय गॉड, अरे कैसे आप मैम? खुश रहो बेटा, अच्छी हूँ, कैसे हो? आइए ना सर, ये संध्या मैम है, मेरे प्राइमरी स्कूल की टीचर। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेलो मैम, यहाँ कैसे? मुझे सीआईडी से कुछ मदद चाहिए थी। तो बताइए ना, कैसे मदद चाहिए आपको, बताइए। मेरी एक स्टूडेंट है डिम्पी, 7 साल की है, वो कुछ 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। तो आपने उसके मम्मी पापा से बात नहीं की? मैंने उसके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो सब लोग शहर के बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो इसलिए कि डिम्पी की एक सहेली है श्रेया, वो मेरी स्टूडेंट भी है, वो डिम्पी से मिलने के लिए उसके घर पे गई हुई थी, तो उनके मम्मी पापा ने ये कहा कि डिम्पी उसके नानी के घर पे गई हुई है। सर, ये डिम्पी के पेरेंट्स कुछ छुपा तो नहीं रहे? आपने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया? जी नहीं सर। देखिए संध्या मैम, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करके डिम्पी को ढूंढ निकालेंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। पंकज आई मैम। शुक्रिया सर। थैंक यू। अभिजीत, फ्रेडी और दया तो गिरीश के केस में लगे हुए हैं, अब तुम और पूर्वी इस डिम्पी के घर जाओ और उसके माता पिता से मिलो और थोड़े अलग तरीके से पूछताछ करो उनसे। नमस्ते मैडम, हम लोग गैस कंपनी से आए हैं। आपके एरिया का जो गैस का पाइपलाइन है उसमें थोड़ा खराबी चल रहा है, इसके लिए हम लोग घर घर जाके चेक कर रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ खराबी है, तो वो देखेंगे हम लोग। हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैडम, पब्लिक की सुरक्षा का मामला है, आप मना करेंगे तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे, मैनेजमेंट जो है आपकी लाइन काट देगी, तो आप हमको मत बोलना। ठीक है ठीक है, देख लीजिए, लेकिन जो भी करना है जल्दी कीजिए। बहुत बिल्कुल जल्दी कर लेंगे जी। आइए देख लीजिए। इस कमरे में काफी दिनों से कोई आया नहीं। एक्सक्यूज मी, आपके साथ वो दूसरे आए थे वो कहाँ गए? यही होंगे कहीं, कनेक्शन चेक करने गए होंगे। कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ। सीआईडी, आप लोग क्यों आए यहाँ पे? किसने बुलाया आपको? प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाएंगे, अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो मेरी बच्ची, मेरी डिब्बे को मार देंगे। कौन कौन लोग है वो? आराधना, कौन है ये लोग? ए कौन हो तुम लोग? एक मिनट सुनील, कौन हो तुम लोग? गन नीचे करो। सुनील मेरी बात सुनो। एक मिनट, मैंने पूछा कौन हो तुम लोग? डिम्पी। सुनील ये लोग सीआईडी से। सीआईडी, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी को कुछ नहीं बताना है, खासकर पुलिस को, तुमने सीआईडी को, तुम Are you out of your mind? सुनील, ये गन कहाँ से आई आपके पास? सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास इस गन का लाइसेंस है, मेरी सेफ्टी के लिए सर। जी सर, लाइसेंस है मेरे पास। ये सब
कब और कैसे हुआ? दोपहर को डिम्पी अपने कमरे में सो रही थी, वो दो घंटे तक उठी नहीं, इसलिए मैं उसके कमरे में गई। डिम्पी, 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 वहां नहीं थी, कहीं नहीं थी। बच्ची घर के अंदर से कैसे गायब हो गए? घर के अंदर कोई आया था? जी नहीं। आप लोगों ने घर के खिड़की दरवाजे चेक किए थे? जी, दरवाजे सारे बंद थे, लेकिन उसके कमरे की खिड़की खुली थी। तो आपका मतलब है कि डिम्पी ने खुद खिड़की खोली और अपने आप चल के किडनैपर्स के पास चली गई? सर, ये सब कैसे हुआ कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इस वक्त ये पता है कि मेरी बेटी का किडनैप हुआ है और किडनैपर्स ने हमसे 5 करोड़ रुपए मांगे। बस पैसों का इंतजाम होता ही मैं अपनी बेटी को छोड़ा लाऊं। मिस्टर सुनील, आप समझ नहीं रहे हैं, किडनैपर्स को सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर एक बार उन्हें पैसे मिल गए तो वो डिम्पी को नहीं छोड़ेंगे। वो कोई सबूत कोई गवाह नहीं छोड़ते हैं। आपको जो कुछ बोलना है आप बोलिए, लेकिन मैं अपनी बेटी की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता सर। मैं वही करूंगा जो वो लोग मुझे करने के लिए कहेंगे। ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। गैस कंपनी, और हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं की है। नहीं नहीं, कंप्लेंट का बात नहीं है सर, इस पूरे एरिया में पाइपलाइन में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हम लोग घर घर जाके चेक कर रहे हैं। आपका भी घर देखना है। ठीक है, कर लीजिए। अभी क्या बताएं साहब, ये एरिया के बच्चा लोगों ने नाक में दम कर रखा है। वो खास करके एक छोटी बच्ची है, वो डिम्पी, वो बहुत बदमाश है, वो पाइपलाइन में खराबी उसी ने की हो। डिम्पी, किस डिम्पी की बात कर रहे हैं आप? अरे साहब, वो सुनील साहब है ना, उनकी बेटी डिम्पी। सुनील साहब की बेटी? अरे वो तो बहुत अच्छी लड़की है साहब, मंडे को ही मेरे को मिली थी। अरे डिम्पी बेटा, कहाँ जा रही हो? मैं पार्क में खेलने के लिए जा रही हूँ। अकेले? नहीं, मेरी फ्रेंड है ना साथ में। फ्रेंड? कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड? ये रही मेरी फ्रेंड। साहब पक्का, यहाँ पर गैस लीकेज है। तोड़ दिया ना, पक्का उस लड़की का ही काम है। वो लड़की, वो क्या नाम है उसका? वो साहब डिम्पी। डिम्पी, क्या बात कर रहे हैं साहब, वो तो इतनी सीधी इतनी प्यारी बच्ची है कि पूछो मत, शांत रहती है, कुछ तोड़ती फोड़ती नहीं है साहब। अरे हम सुनील साहब की बेटी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ साहब, सुनील साहब की बेटी डिम्पी, डिम्पी की ही बात कर रहे हैं। हमने तो सुना था वो बहुत चंचल है, दिन भर तोड़फोड़ करती रहती है। नहीं नहीं नहीं, कौन बोला, मैं जानता हूँ ना उसको। अरे भैया आप बहुत पहले जानते हो आप उसे। अरे बच्चे उम्र के साथ बदल जाते हैं, बहुत शैतान है वो, पहले मिलोगे ना उससे इसलिए। क्या बहुत पहले मिले? अभी गए सोमवार को ही मिला था उससे। डिम्पी, क्या बात है बेटा, मम्मी नहीं आई साथ में? आज मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रही हूँ। दोस्त? कौन दोस्त? मेरे दोस्त के दोस्त अभी आ रहे हैं। अरे डिम्पी, तुम्हारे दोस्त कहाँ चली गई? हो सकता है अपने दोस्तों के साथ चली गई हो, लेकिन एक बात कह सकते हैं साहब, उसने गैस पाइपलाइन नहीं तोड़ी है। चलो कोई और तोड़ा होगा, हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक। सर पक्का यहीं से किडनैप हुआ है उसका। अजीब बात यह है कि कोई उसे जबरदस्ती नहीं ले गए, अपने आप गई है वो। लेकिन सर, एक 7 साल की बच्ची ऐसा क्यों करेगी? क्या कुछ पता चला क्या? नहीं पता तो नहीं चला। अब यार तू फिर तू करता क्या है? जो बाल लाकर दिए थे ना, उससे कुछ पता नहीं चला? हाँ, बाल का पता लगाया ना। और तुम्हें क्या पता चला, बताएगा कब? किसके बाल है? लड़की के हैं, लड़के के हैं, किसके हैं? दोनों के नहीं। दोनों के नहीं मतलब? मतलब ये बाल किसी का नहीं है, ना लड़के का है ना लड़की का है। या तो फिर किसके बाल है सालों की, तू क्या मजाक कर रहा है भाई? ये किसी इंसान के बाल ही नहीं है यार। इंसान के बाल नहीं है ना, तो फिर क्या, घोड़े के बाल है यार? तुम ना गुस्से में भी मजाक बड़ा अच्छा करते भाई मेरे।
ये बाल ही नहीं है, न जानवर का बाल है न इंसान का बाल। तो फिर क्या है डॉक्टर सारुम के? ये फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर, जैसा वो गुड्डे गुड़िया के सर पे लगा होता ना नकली बाल, वो है सिंथेटिक फाइबर। आराधना जी, डिम्पी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, वो खुद चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकली, पार्क में गई अपने दोस्तों से मिलने के लिए अकेली, और फिर वहां से गायब हो गई है। दोस्त? लेकिन ये कैसे हो सकता है? डिम्पी के तो कोई दोस्त ही नहीं है सिवाय सोनिया के। सोनिया? इसने कहा कि सोनिया से बच के रहना वरना वो तुम्हारी बेटी को लेकर चली जाएगी। ये सोनिया कौन है? डिम्पी की गुड़िया, एक स्मार्ट डॉल जो उसके डैडी फॉरेन से लाए थे, वो उसे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। मैं पार्क में खेलने के लिए जा रही हूँ। अकेले? नहीं, मेरी फ्रेंड है ना साथ में। कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड? ये रही मेरी फ्रेंड। तो डिम्पी को सोनिया से बहुत लगाव था क्या? जी सर, क्योंकि वो इंसानों की तरह बात कर सकती थी, उसे जो सवाल करो उसका वो जवाब देती थी, जैसे मोबाइल फोन में होता है। सोनिया तो डिम्पी की पढ़ाई में भी मदद करती थी, वो उसे को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। अच्छा सोनिया, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सिर मरने से पहले गिरीश ने उस लड़की से यही कहा था, सोनिया से बच के रहना, ये तुम्हारी बेटी तुमसे छीन लेगी। इसका मतलब डिम्पी की किडनैपिंग में ये जो गुड़िया है सोनिया, इसका कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। हाँ भैया, बच्ची मिली? सर बच्ची तो अभी नहीं मिली है, लेकिन एक अजीब बात पता चली है, उस बच्ची के पास एक स्मार्ट डॉल है सर, एक गुड़िया जो इंसानों की तरह बातें करती है, और उसका नाम सोनिया है सर। ये कैसी गुड़िया है? और फिर गिरीश के डेस्क पर भी तो हमें बाल का सैंपल मिला है अभिजीत, वो किसी गुड़िया का ही है। और सर गिरीश ने भी तो मरने से पहले सोनिया का नाम लिया था। हाँ, सोनिया से बच के रहना वरना वो तुम्हारी बच्ची को छीन लेगी। सर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक काम करो, इस बच्ची के रूम में जाकर देखो अच्छी तरह से, देखो कोई गुड़िया का बाल मिलता है क्या। फिर गिरीश के डेस्क के ऊपर जो बाल मिला है गुड़िया का, वो बाल और ये बाल बच्ची के घर वाला दोनों मैच करके देखते हैं अभिजीत, देखते कहीं उसी गुड़िया का है क्या। फिर बाजार में जाकर ढूंढना पड़ेगा, ये ऐसी इंसानों की तरह बोलने वाली गुड़िया कहाँ मिलती है। यस सर। सर यही वो बॉक्स है जिसमें वो गुड़िया आई थी। थैंक यू आराधना जी, बस इतना याद रखिएगा कि सुनील जब भी पैसों का इंतजाम कर ले तो हमें इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। जी। जानवरों और इंसानों तक तो ठीक है, अब तुम मुझसे गुड़िया के बाल भी टेस्ट करवा रहे हो यार। देख सारुण के, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, तू जानता है ना किसी बच्ची की जान का सवाल है, बता जल्दी क्या पता चला है। बस ये दोनों बाल एक जैसे हैं, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। मतलब ये दोनों बाल एक ही गुड़िया के हैं? एक ही गुड़िया के है या नहीं ये तो नहीं कह सकते दया, लेकिन बस ये दोनों बाल एक ही कंपनी में बनाए गए। तो हो सकता है गिरीश सोनिया जैसे किसी दूसरी गुड़िया पे काम कर रहा हो, अब वो उसे हैक क्यों करना चाहता है ये तो शायद इस गुड़िया के सॉफ्टवेयर से ही पता चलेगा। तो पूर्वी क्या कुछ पता चला क्या? सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, मैं इसे हैक नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? सर इसके लिए तो गिरीश जैसे किसी एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अरे तो फिर बुलाओ ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, बुलाओ। सर गिरीश का दोस्त अमित भी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। ये गुड़िया ये इंसानों की तरह कैसे बात करती है? सर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्मार्टफोन आपसे बात करता है, आपको रास्ता बताता है। सर मैं समझाता हूँ, एक्चुअली सर ये डॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये वॉइस कमांड यानी आवाज़ से एक्टिवेट हो जाती है, और फिर ये इंटरनेट से ही ढूंढ के
आपको आपके सवालों के जवाब देती है। अगर हम मान भी ले कि गिरीश ने इस गुड़िया के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश की है, तो सवाल ये है कि कोई खिलौने के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश क्यों करेगा? ताकि वो उस गुड़िया को कंट्रोल कर सके। सर मुझे लैपटॉप मिलेगा? है। सर अगर ये गुड़िया कुछ बोले तो आप लोग प्लीज इसे बात कीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स। हेलो अभिजीत सर। हेलो, तुम मुझे जानती हो? मैं आप सबको जानती हूँ। तुम एसीपी सर के बारे में क्या बता सकती हो? एसीपी सर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर है। अपराधी उनके नाम से कांपते हैं। कोई भी गुनहगार उनसे आज तक बच नहीं पाया। और अभी अभी उन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो केसेस सॉल्व किए हैं। मेरे यानी अमित की मदद से। कमाल है अमित, कैसे कैसे किया ये सर? सर बहुत सिंपल है। एक्चुअली मैंने सिर्फ इस गुड़िया के माइक्रोफोन को हैक कर लिया, तो अब ये इंटरनेट नहीं मेरे कमांड पे बोल रही है। मैं उस लैपटॉप पे माइक पे जो जो बोल रहा था वो ये गुड़िया अपनी जुबान आप लोगों के सामने बोल रही। मतलब इस गुड़िया को कंट्रोल करके कोई भी बच्चों से बातें कर सकता है? जी सर। अब आ गया सारा मामला समझ में। पहले उन लोगों ने गिरीश को एक गुड़िया दी ये देखने के लिए कि क्या वो गुड़िया पे काम कर सकता है क्या। और जब उसने गुड़िया को हैक कर लिया तो उन लोगों ने उसे उसके घर से किडनैप कर लिया। और फिर उसे तब तक वहां पे बांध के रखा जब तक डिम्पी के गुड़िया को हैक नहीं कर लिया। क्या हुआ सोनिया, क्यों रो रही हो? मुझे घर की बहुत याद आ रही है डिम्पी। कहाँ है तुम्हारा घर? पार्क में। तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? ठीक है। लेकिन सुनो डिम्पी, अपने मम्मी पापा को मत बताना, हम अकेले ही जाएंगे। ठीक है। और फिर सोनिया के जरिए उन लोगों ने बच्ची को किडनैप कर लिया। तभी तो उन लोगों को डिम्पी पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। डिम्पी तो बेचारी सब कुछ सोनिया के कहने पर कर रही थी। अमित, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ शायद तुम्हारे उसूलों के खिलाफ होगा, लेकिन डिम्पी को बचाने के लिए और गिरीश के खूनी को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम डिम्पी की डॉल को हैक करो, कर सकते हो? हाँ सर, हो जाएगा। ग्रेट। अभिजीत, वो डॉल अभी भी डिम्पी के पास ही होगी। उसको फुसला के रखने के लिए उन गुंडों ने वैसे ही किया होगा। और अगर डॉल डिम्पी के पास है तो हम भी डॉल के जरिए डिम्पी से बात कर सकते हैं। हेलो। हेलो सर, सुनील ने पैसों का इंतजाम कर लिया है, वो उनको पैसे देने निकल गए। सुनील पैसे लेके निकल गया? कब निकला वो और कहाँ गया? बस अभी अभी निकले हैं सर, और रेलवे के पास एमके ब्रिज पे बुलाया उनको। एमके ब्रिज? ओके। अभिजीत जाओ जल्दी, तुम और गया। अमित जल्दी करो, अगर सुनील पैसे लेकर दया सर और अभिजीत सर के पहले पहुंच गए तो वो लोग डिप्पी को मार देंगे। मुझे उस डॉल की पैकेजिंग मिल सकती है, उसमें प्रोडक्ट आईडी लिखा होगा। सर उससे फिर ट्रैक करना आसान होगा। मिल गया सर। गुड़िया यहाँ से 7 किलोमीटर के दायरे में है। माय गॉड, 7 किलोमीटर का रेडियस, हमारे पास टाइम भी नहीं है। और कुछ बताओ, और कुछ क्लू है क्या? देखो और कुछ तो पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा अमित, तुम यहाँ से डिम्पी की डॉल को कंट्रोल कर सकते हो? सर मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं अमित, तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर डिम्पी की जान बचानी है तो ये करना ही पड़ेगा। सर हम लोग यहाँ ब्रिज तक पहुँच ही गए हैं, सुनील यहीं कहीं होगा सर। यस सर। ओके सर। अभिजीत,
सुनील, सुनील रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, मेरे पास मत आना। देखो सुनील, ऐसा करने से डिम्पी को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? उसने मुझे कहा था कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरी बेटी के टुकड़े करके भेज देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम डिम्पी को बचा लेंगे, हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। सुनील रुक जाओ। I'm sorry. नहीं। I'm sorry. से बात कर सकते हैं। गुड डिम्पी, डिम्पी सोनिया। हाँ सोनिया, पूछो उसको कैसी है। कैसी हो डिम्पी? मैं ठीक हूँ। अच्छा डिम्पी, हम यहाँ पर अकेले हैं क्या? हाँ शायद, और कोई है भी नहीं यहाँ पे। हम हैं कहाँ पर? तुम इस जगह को जानती हो? पता नहीं, इतना सारा सामान। अरे ये तो स्टोर रूम के तरह है। पर ये बहुत बड़ा स्टोर रूम है। हाँ? लगता है वो बैड अंकल फिर से आ गए। चलो हम कहीं छुप जाते हैं। हाँ देखो डिम्पी, मैं हमेशा तुम्हारे सवालों का जवाब देती हूँ, है ना? आज तुम मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे इस जगह के बारे में और बताओ। हम हैं कहाँ पर? ये कैसी जगह है? ये तो बहुत ऊंची दीवार है, हमारे घर से भी बहुत ऊंची। पैसा मिल गया ना? ठीक है डिम्पी, यहाँ पर कोई खिड़की है? अरे ये गुड़िया तो ग्रीष के साथ ही मर गई थी ना, तो ये आवाज किसकी है? आसपास कोई ट्रेन जाती है? हाँ, मुझे जल्दी से इस जगह के बारे में और बताओ। डिम्पी, डिम्पी, अमित, देखो अब पता लगा ऐसा कोई एरिया जहां पर वेयर हाउसेज हैं और जिनके आसपास रेलवे जाती है। सर ऐसी एक ही जगह है, ये देखिए। रेडी पुनी, लोकेशन लो और पहुंच जाओ वहां। हेलो अभिजीत सर, बांध के रखा था। सर डिम्पी यहां से हमसे बात कर रही थी, ये देखिए सर, बहुत देर हो गई सर।
सर मैंने चारों तरफ देख लिया, वो लोग कहीं नहीं है। निकल गए यहां से। उनको निकले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। अभिजीत ये देखो टायर का निशान, और ये मिट्टी कुछ अलग है यहां पे। ये तो दलदली मिट्टी है। मैंग्रोव्स? मैंग्रोव्स हाँ, किसी की जान लेने के लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। एक मिनट। हाँ दया बोलो। सर यहाँ इस वेयरहाउस के पास कोई मैंग्रोव है क्या, बता सकते हैं? अमित बुआ ढूंढ सकता है क्या? एक मिनट अमित, वेयरहाउस के आसपास देखो मैंग्रोव है क्या। दया होल्ड करना है सर, इनफैक्ट काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। दया मैंग्रोव है वेयरहाउस के आसपास, और बड़ा मैंग्रोव है। तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? एक मिनट गिरीश की लाश भी हमें यहाँ पास में मिली थी, और उसके कपड़ों पे ये दलदली मिट्टी लगी थी। तो हो सकता है वो भी वहीं से भाग के आया होगा जहाँ ये टिम्पी को ले गए। ठीक है समझ गया अमित, जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उसके पास कोई दलदल है क्या? देखो मैंग्रोव है क्या? देखो हाँ सर है। ओ, दया है दलदल है। अब अमित तुम्हें गाइड करेगा कहाँ जाना है। चलो जी है बॉस, मत मरो ना, पैसा तो अपना मिल गया ना। ये बच गई तो हम नहीं बच रहे बे, इसका मरना बहुत जरूरी है। और तुझे इतना डर लगता तो भाग। अब कैसा लग रहा है, हैं? सर गाड़ी के अंदर पैसे सर। क्यों किया उन लोगों के साथ तुमने ऐसा? हाँ क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जल्दी से बोल दे वरना मरेगा तू। हाँ बता रहा हूं, मैं सुनील सर की कंपनी में काम करता हूँ। एक दिन वो अपनी बेटी के लिए गुड़िया लेके आए, 15,000 रुपए की गुड़िया। घर जाने से पहले सबको दिखा रहे थे तो ये गुड़िया ये कर सकती है, गुड़िया वो कर सकती है। मैंने सोचा जो आदमी एक गुड़िया के लिए 15,000 रुपए खर्च कर सकता है वो उसके पास पैसे कितने होंगे। तो मैंने इंटरनेट में जाके सब चेक किया, बस वहीं से मैंने किडनैपिंग का प्रोग्राम बनाया। पैसों के लिए इतनी घिनौनी हरकत की है तुमने, तुम्हें तो अभी के अभी फांसी पे लटका देना चाहिए, और कानून भी यही करेगा। ले जाओ इसे। इन्होंने तो मेरी सोनिया को भी मार दिया। सोनिया टूट गई तो क्या हो, हम तुम्हें दूसरी डॉल देंगे। ये लो। ये बोलती नहीं है, ये सिर्फ सुनती है। आप जितनी चाहे से बातें कर सकते हो। और देखो बेटा ये जो गुड़िया है ना, इसके जैसी चीज खेलने के लिए होती है, ये खिलौना है। दोस्ती तो हमें अपने जैसे बच्चों के साथ करनी चाहिए, ना कि मोबाइल फोन स्मार्ट डॉल कंप्यूटर के साथ। इनके साथ हमें खेलना है। ओके okay?
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.